नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी लोग महाशिवरात्रि व्रत के विषय में संपूर्ण विधि जानेंगे। घर पर आसानी से और कम सामग्री में हम भगवान भोलेनाथ जी की पूजा कैसे करें, व्रत के क्या क्या नियम हैं, और यदि हम प्रत्येक माह की अर्थात मासिक शिवरात्रि का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो इसके क्या नियम हैं, किस प्रकार से इसे प्रारंभ किया जाता है, सभी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। अत्यधिक सामग्री की आवश्यकता उनको नहीं होती है, सिर्फ हमारे प्रेम और भक्ति की आवश्यकता उन्हें होती है, हमारे श्रद्धा की आवश्यकता होती है। तो आपके पास सामग्री यदि कम है तब भी आप भगवान भोलेनाथ जी की संपूर्ण पूजा अर्चना कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि कैसे। आप सबसे पहले महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान भोलेनाथ जी को एक लोटा जल, एक बेलपत्र अवश्य अर्पित करें। उसके बाद आप घर पर भगवान भोलेनाथ जी अर्थात पूरे शिव परिवार की एक तस्वीर या एक फोटो स्थापित कर लें। घर के मंदिर में ही यदि आप पूजा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अलग से चौकी स्थापित करके पूजा करना चाहते हैं तब भी आप कर सकते हैं। आप स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें स्नान आदि करके। ध्यान रहे कि आप काले वस्त्र बिल्कुल न प्रयोग करें। सफेद वस्त्र प्रयोग कर सकते हैं, परंतु सुहागिन स्त्रियां रंग बिरंगे वस्त्र पहने, जिनका विवाह नहीं हुआ है, वे सफेद वस्त्र भी धारण कर सकते हैं। आप आसन लगाकर बैठ जाएं, सामने शिव परिवार की तस्वीर रख लें, कलश में सामने जल रखें, एक दीपक प्रज्वलित कर लें। उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी को आप चंदन अर्पित करें, सफेद चंदन या पीला चंदन। भगवान गणेश जी को पीला चंदन अर्पित करें। माँ गौरी को कुमकुम अथवा रोली अर्पित करें। कार्तिकेय भगवान की पूजा करें, साथ में नंदी बाबा की पूजा करें। धूप जलाएं, उसके बाद भगवान भोलेनाथ जी को आप जनेऊ श्वेत वस्त्र अर्पित करें। माँ गौरी को लाल वस्त्र या फिर वस्त्र नहीं है तो आप कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। माँ गौरी को सिंदूर अर्पित करें, श्रृंगार की सभी सामग्री आप अर्पित कर दें। भगवान भोलेनाथ जी को यदि एक बेलपत्र आप राम राम लिखकर अर्पित कर देते हैं तो समझ लीजिए कि जन्म जन्मांतर के हमारे दोष पाप नष्ट हो जाते हैं। आप एक बेलपत्र अर्पित करें, उससे अधिक भी चाहें तो आप अर्पित कर सकते हैं। समी पत्र अर्पित करें, भांग, धतूरा, श्वेत पुष्प, पीला पुष्प। श्वेत पुष्प भगवान भोलेनाथ जी को अत्यंत प्रिय है। माँ गौरी को लाल पुष्प अर्पित करें। श्री गणेश भगवान जी को दूर्वा अवश्य अर्पित करें। अबीर, गुलाल अर्पित करें। भगवान जी को फल और मिष्ठान का भोग लगाएं। जो भी आपके पास भोग प्रसाद उपलब्ध हो आप लगा सकते हैं। उसके बाद शिव परिवार की स्तुति करें। आप ओम नमः शिवाय या फिर महिलाएं नमः शिवाय, जो कि अलौकिक मंत्र है, समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला मंत्र है। दोस्तों, आप इसी मंत्र से भगवान भोलेनाथ जी की संपूर्ण पूजा कर सकते हैं। आपकी यदि इच्छा है तो आप शिव रुद्राष्टकम, जो कि बहुत ही शुभ फल को देने वाला स्तोत्र है, इसका पाठ कर सकते हैं। शिव तांडव स्तोत्र, शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इस तरह से आप जो भी आपकी इच्छा हो, भक्ति हो, शक्ति सामर्थ्य हो, आप भगवान भोलेनाथ जी की स्तुति कर सकते हैं। स्तुति करने के बाद आप माँ पार्वती जी, भगवान भोलेनाथ जी की आरती करें। पूजा समाप्त करने के बाद अपने द्वारा किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप क्षमा मांगें। भोग प्रसाद थोड़ी देर बाद वहां से उठाएं और पूरे परिवार ग्रहण करें। अब बात आती है कि व्रत के नियम क्या हैं। दोस्तों, इस व्रत को निराहार अर्थात निर्जला भी रखा जाता है और फलाहारी भी रखा जाता है। फलाहारी व्रत यदि आप रखते हैं तो नमक का सेवन आपको नहीं करना है, मीठा फलाहार ही आपको ग्रहण करना है। निर्जला दो तरह से रखा जाता है, पूरे दिन निर्जला रखकर प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करके फलाहार ग्रहण किया जा सकता है, और यदि आप चाहें तो दिन और पूरी रात्रि भी निर्जला रख सकते हैं। इस प्रकार से अपनी शारीरिक शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार ही व्रत को धारण करें। संध्या के समय फिर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें और संध्या के समय धूप दीप करके भगवान भोलेनाथ जी को भोग प्रसाद अर्पित करें, उनकी पूजा करें, उनकी वंदना करें और आरती करें। इसके बाद आप व्रत जैसा भी चाहें धारण कर सकते हैं।
अब बात आती है कि यदि आप प्रत्येक माह की मासिक शिवरात्रि का व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं तो इसी महाशिवरात्रि से इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। इस व्रत का नियम भी यही है जो कि मैंने बताया कि आप फलाहारी और निर्जला दोनों ही प्रकार से व्रत को रख सकते हैं। प्रत्येक माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यह व्रत रखा जाता है, लेकिन यह ध्यान रहे जब चतुर्दशी तिथि रात्र में व्याप्त होती है, अर्थात रात्रि व्यापनी चतुर्दशी तिथि जब हमें प्राप्त होती है तभी हम शिवरात्रि का व्रत रखते हैं। दोस्तों, इस व्रत को मैंने भी धारण किया है और यह व्रत बहुत ही उत्तम व्रत है, मन को अत्यंत शांति प्रदान करने वाला व्रत है, आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। तो आप चाहें तो केवल महाशिवरात्रि का व्रत भी रख सकते हैं या फिर प्रत्येक माह की शिवरात्रि को भी इसी शिवरात्रि से प्रारंभ कर सकते हैं। इस प्रकार से सरल विधि से आप पूजा करें, केवल भगवान भाव के भूखे हैं। जो भी सामग्री आपके पास नहीं है और आप उसे अर्पित करना चाहते हैं तो आप मानसिक रूप से भगवान भोलेनाथ जी को अर्पित कर सकते हैं। मानसिक रूप से की गई पूजा से भगवान बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं और मनचाहा वरदान हमें देते हैं। तो इस प्रकार से आपके मन में कोई भी यदि प्रश्न रह जाता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमः शिवाय।